एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ हाँ, लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। क्या बात है, लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। हाँ ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? ए, नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान, गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। क्या हलो हलो, पेट तो खाड़ो पुरवा हलो। क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं छोड़ूंगा, नथी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, नहीं नथी, ना जम्मू तो जा भाड़ में, तू जा भाड़ में। ए जाता जाता साले गड्ढा खोद जाके, साले गुजराती समझता नहीं, मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। यार कपड़े धो धो, मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कह रहे गड्ढा खोदो, मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ? अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या दादा भी काम कर। क्या खाना? हाँ चोली की सब्जी है, चपाती है और मिठाई में घूघरा है। खाने में चोली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती और मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में, घूघरा है, घाघरा, घूघरा, घूघरा, घूघरा। बाप रे, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है, इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान क्या जुलुम है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। ए, कुछ करो ना, कुछ करो ना। हट, जाके कपड़े दो, पैंट गीली कर रहा मेरी। ए क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे गोंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं, जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाड़ डालेंगे। हाँ तो हेलो गाइस, आशा है, विश्वास है कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। पर यार एक हमारी भी शिकायत है कि आप लोग पूरा वीडियो को वॉच नहीं करते। पूरा वीडियो जो वॉच करेगा वो कमेंट करेगा कि कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगता है, कौन सा एक्टर बेस्ट है, ये जरूर कमेंट करके बताना किसकी एक्टिंग सबसे बेस्ट है। बाकी आप सबका प्यार ऐसे ही मिलते रहे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।